अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर, जिन स्टोरीज को आज हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमक्यूएम की सिफारिश पर तैनात तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से हटा दिया गया है, जबकि पीटीआई ने सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकरीरी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था और साथ साथ सियासी बुनियादों पर तकरीरी बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। पीटीआई की जानिब से मौकफ भी अपनाया गया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हलफ याफ्ता करार दिया है पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने, जो साबिक वजीर भी हैं, और ये भी कहते नजर आए कि आप लोग एक दूसरे के बारे में पहले सच बोलते थे या अब जो है वो बोला जा रहा है वो सच है। पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों के मामले पर कानूनी मुशावरत कर रही है, वजीर इतलात सिंध ने आज वजाहत की है, जबकि एन वक्त पर नई हल्का बंदियां टेक्निकल मामला और उसे देखा जाएगा। शर्जी नाम मेमर ने इस बात की वजाहत की है हल्का बंदियों से रिलेटेड। एमक्यूएम पाकिस्तान की नई हल्का बंदियों के मामले पर जमात इस्लामी को कायल करने में नाकामी भी नजर आ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन ताने बाने और मीठे तंज के निश्चर भी बरसाते नजर आए। हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़ुज़ात हैं लेकिन इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने भी आज ये इस बात का इंदिया दिया है, जिस तरह हम मुतासर हैं इसी तरह जमात इस्लामी भी मुतासर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ये बल्दियाती इंतखाबात पर अपोजिशन वाजे करे वरना धरना दिया जाएगा, जमात इस्लामी ने इस हवाले से कहा है। जबकि मुस्लिम लीग नूट के वफद की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुआजरत भी देखने में आई है, वफद से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई थी लेकिन नहीं हो सकी मुलाकात। एमक्यूएम वाले दोस्त हैं और उनके साथ फिर किसी वक्त जो है वो कैसे मिलेंगे, ये जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इसकी वजाहत की है। जबकि कोरोना के खतरे के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इंतजाम तेज कर दिए गए हैं, बैन अवी परवाजों के बाद डिसइंफेक्शन अमल को भी यकीनी बनाया जाएगा। NIH की जानिब से ये इंदिया दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 2 अमवात हो चुकी हैं, ये मामला जो है वो हैरतअंगेज़ है। सबसे पहले बात करेंगे एमक्यूएम की सिफारिशात के हवाले से, जो स्टोरी हमने रखी है आज कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हटा दिए गए हैं। जी नाज़रीन, एमक्यूएम की सिफारिश पर जो तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको ओहदे से हटा दिया गया है। हम आपको बता चुके थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे लगाने थे एमक्यूएम के तहफ़ुज़ात थे, वो तहफ़ुज़ात दूर किए गए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन का फैसला था दिसंबर के माह में के जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं वो नहीं होंगी। बहरहाल कर दी गई थी ट्रांसफर पोस्टिंग एमक्यूएम के कहने पर, अब ये फिर से हटा दिए गए हैं, मामला क्या जानेंगे। तो रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है तारिक काजमी। तारिक, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया गया है सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर, तीनों जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनको बरतरफ कर दिया ओहदे से, और एक मामला उठता दिखाई दिया था जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया था, इस पर बड़ा शोर उठता दिखाई दिया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है, मामला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबदू व या कनस्तईन। देखिए बिलाल, मैं आपको तफसीलात सागर करूँ कि K21 न्यूज़ को हमेशा से ये एजाज हासिल है कि कोई भी स्टोरी हो बल्दियात के लिहाज से किसी और लिहाज से वो सबसे पहले ब्रेक करता है। हमने ये स्टोरी जो है वो 31 दिसंबर की रात को 11:49 पे स्टोरी ब्रेक की थी कि चीफ सेक्रेटरी की जानब से और महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानब से जो है समरियाँ तैयार कर ली गई हैं और बहुत जल्द जो एमक्यूएम के तैनात शुदा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको हटा दिए, डिसीट करके जो है वो जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। आज जो है कल सब में जो है वो 70 के करीब जो है पोस्टिंग्स जो है वो वापसी डीसी की गई है, उसके अंदर केएमसी भी है, उसके अंदर जो है वो डीएमसी भी हैं, उसके अंदर जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इदारा भी है, उसके अंदर जो है बाकी जो सूबों के अंदर सिंध के सूबे के अंदर जो है 70 के करीब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो गैरकानूनी करार दे के जो है वो वापसी जो नोटिफिकेशन था वो रिवाइज कर दी गई है। आज जो है वो 2-3 नोटिफिकेशन का इजरा हुआ जिसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी जो थे सी शकील उनको हटा के जो है वो रहमतुल्लाह शेख को वापसी लगा दिया गया। फिर उसके बाद जो कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर थे शरीफ उनको हटा के जो है वो जावेदुररहमान कलवर जो पुरानी सीट पर तैनात थे उनको लगा दिया गया। हैदराबाद के अंदर जो मोहम्मद फारूक जो तैनात थे उनको हटा दिया गया, उनको वापसी जो है वो डिप्टी कमिश्नर की सीट पर जो है काम करने की हिदायत जारी कर दी गई। एमकेएम की बात कर ली जाए, हल्का बंदियों की बात कर ली जाए, वोटर लिस्टों की बात कर ली जाए, तहफुजात का इजहार उस वक्त खुल के सामने आया। एमकेएम पहले से तहफुजात कर रही थी लेकिन इस चीज ये शिद्दत जब इख्तियार हुई जब बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने एक मौके दिया अपना के जो इलेक्शन है वो 15 जनवरी को ही होने हैं,
उसके बाद सियासी गहमा गहमी उस पर पहुंची, उससे पहले ये बात गई थी कि एमकेएम के जो धड़ाबंदियां हैं उनको मुस्तैद करने के लिए जो है वो काम जारी है, गवर्नर सिंधी आम किरदार अदा कर रहे हैं। फिर जो है वो बिलावल हाउस में बैठक शुरू हुई जिसके अंदर जो है वो वफाकी वज़रा का वफ़द भी पहुंचा, वहां पे पीपल्स पार्टी का वफ़द भी पहुंचा और एमकेएम का वफ़द भी पहुंचा, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो हरी झंडी दिखा दी गई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्टों के ऊपर काम करना अभी फिलहाल जो है वो 4 महीने का वक्त हमें दरकार है। जो कानूनी टीम से उनकी मुशावरत हुई, उन्होंने जो को चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के आसिफ अली दरदारी, उनसे पहले जो एक मुलाकात की सिंध गवर्नमेंट की कानूनी टीम में, उन्होंने तमाम ब्रीफिंग दी कि ये अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि 4 महीने से ही पहले जो है वो रद्द बदल कर दिया जाए। ये कोई मामूली अमल नहीं है कि वोटर लिस्टें जो है वो तब्दील करी जाए, उनके हल्का बंदियां जो है वो तब्दील करी जाए और फौरन जो है वो इलेक्शन करा दिए जाए। ठीक है तारिक, ये तो हो गई बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात और उसका अहवाल। फिर उसके बाद आज जो कुछ होता रहा, हमने देखा कि एमकेएम की जानिब से जमात इस्लामी को भी दावत दी गई थी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुश्तरका तौर पर की गई, फिर दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो रैली निकाली जानी है 9 जनवरी को, उसमें पीएसपी को भी दावत दी गई है और उसमें जमात इस्लामी को भी दावत दी गई है। फिर हमने तीसरी जानिब ये देखा कि जो नून लीग का वफद है वो आया था सुलह करने के लिए, मुशावरत करने के लिए, लेकिन आज हरी झंडी दिखा दी गई, नून लीग ने माजरत की है। इस पर भी जरा डिटेल बताइएगा कि आज क्या कुछ होता रहा। देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले जो मुशावरत हुई, मुशावरत के बाद एमकेएम का वक्त जो है बिलावल हाउस पहुंचा, वहां पे जो है तमाम चीजों के ऊपर बहस की गई, चाहे वो हल्का बंदियां हो चाहे वो तरक्याती काम हो, सब चीजों के ऊपर बहस की गई। लेकिन वहां पे तरक्याती कामों के ऊपर तो फिर भी पीपल्स पार्टी की जानिब से हामी भरी गई, लेकिन जो है वो हल्का बंदियों के ऊपर जो है वो साफ इनकार कर दिया गया कि हल्का बंदियां सब जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है अगले रोज ही जो है वो एक जनरल वर्कर इजलास तलब किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को हम एक एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं, जिसके अंदर वो जो महाजरों की जितनी भी जमात है या कराची की जितनी भी जमात है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको साथ लेकर रैली निकालेंगे, क्योंकि ये एक बंदे का या एक सियासी जमात का जो है वो काम नहीं है कि कराची के लिए बाहर निकले, ये तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि वो जो है वो तमाम लोग बाहर निकल के और एहतजाज करें और अपने हकूक के लिए जगह। उसके बाद हमने देखा कि पीएसपी हाउस भी, हम वो पाकिस्तान हाउस भी अहमद अली मुस्तफा कमाल से भी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुस्तफा कमाल ने अगले रोज जो है वो जनरल वर्कर इजलास तलब किया, लेकिन वो कुछ वजूहत की वजह से जो है वो मंसूख हो गया। फिर जो है उनकी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है वो इजलास बैठा, जिसके अंदर जो है वो काफी चीजों के ऊपर, मामला के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र किया गया। फिर उसके बाद पीएसपी जो मुस्तफा कमाल है वो अपने वक्त के हमरा जो है एमकेएम हैदराबाद के मरकज पहुंचे, वहां पे जो है वो चीजों को देखा, लेकिन उनकी जानिब से कोई प्रॉपर यकीन दहानी नहीं कराई गई। फिर उसके बाद एमकेएम का वक्त जो है वो नूरुल हक जो जमात इस्लामी का जो मेन ऑफिस कहलाता है वहां पे पहुंचा, वहां पे मिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो है वो जमात इस्लामी ने जो साफ इनकार किया, उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को जो है अपना जलसा करने वाले हैं। हाँ, सियासी जद्दोजहद में जो है वो जो हुकूक की, जिन हुकूक की बात कर रहे हैं आप, वो तमाम चीजें एक तरफ है, लेकिन हम उसके अंदर आपके साथ हैं, लेकिन हम अपनी जो है वो जद्दोजहद अलग तरीके से जो है वो जारी करेंगे, जारी रखेंगे और 8 जनवरी को जो है हम अपने आजीमशान जलसा करेंगे, जिसके अंदर कराची के लिए जो है वो हुकूक की बात। ठीक है तारिक, जरा हमारे साथ ही रहिएगा। नाजीन, हम आपको बताते हैं कि आज जब ये फैसला आया, एडमिनिस्ट्रेटर कि जो तैनाती थी उसको दोबारा से रोल बैक किया गया, तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को अहदे से हटा दिया गया है और पीटीआई के जो साबिक वजीर हैं अली जैदी और इस वक्त रहनुमा भी हैं पीटीआई के, तो वो क्या कुछ कहते रहे, जरा प्रोड्यूसर साहब वो शॉर्ट चलाइएगा कि अली जैदी साहब आज क्या कहते रहे। नाजिम जरा देखिए आप, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि इमीडिएटली इन सबको हटा दिया जाए, डी नोटिफाई किया जाए, हटा दिया जाए और 9 तारीख तक जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला इशू है, इलेक्शन क्योंकि 15 को है अभी तक, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाला इशू है, वो भी आप कोर्ट में आके रिपोर्ट करें। टीवी पे रात भी मैं देख रहा था, वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, वो उधर से आ गए, वो तो उससे मिल लिया, वो ये हो गया। मैं रोज अल्लाह के हुजूर हाजिर नाजिर दुआ करता हूँ, खुदा के वास्ते जल्दी से मिल जाओ आपस में। अली जैदी साहब ये कहते नजर आए कि खुदा का वास्ता अब एक हो जाओ। तारिक, कंटिन्यू करेंगे आपके साथ कि ये जो धड़े हैं अब एक होने जा रहे हैं, हम यहां तक पहुंचे थे कि एक दूसरे की जो अपील है उसको मुस्तरद किया जा रहा है, तहफ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे हैं, इस वक्त सिनेरियो क्या बिल्ट हो रहा है? क्योंकि एक तरफ अगर आफाक अहमद की बात की जाए तो वो भी अलग है मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर, फिर दूसरी तरफ फारूक सत्तार का जो दूसरे मरहले में शामिल होने का इंदिया था वो भी अभी तक किसी मरहले तक नहीं पहुंचा है, फिर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जो तमाम सिचुएशन के अंदर मरकजी किरदार हैं, उनका किरदार इस वक्त कितनी अहमियत का हामिल है?
देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं कि गवर्नर हाउस जो है वो इस टाइम जो है वो कराची की सियासत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, चाहे वो वफाकी वज़रा से हों, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे किसी भी सियासी जमात से, वो तमाम चीजें जो है वो गवर्नर हाउस में हो रही हैं। वहां पे जो है वक्त आ रहे हैं, उनको कुछ चीजें आगाही दी जा रही है, लेकिन आवाम के अंदर एक कश्मकश पाई जा रही है कि आया ये एक, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता हफ्तों से जो है ये बात कही जा रही है कि एक होने जा रहे हैं, एक होने जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे जो है वो एक दूसरे के हाउसेज, जो मतलब उनकी सियासी जमात के जो मरकज है, उनके ऊपर आमद हो रही है, वहां पर बातचीत भी हो रही है, वो तमाम चीजों के ऊपर सुधार के ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर जो है, चाहे वो फारूक सार हो, चाहे अनीस कैम खानी हो, चाहे मुस्तफा कमाल हो, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, इनकी जानिब से कोई एक तरफा मौके इख्तियार नहीं किया जा रहा है कि आया कि एक होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मंसूख किया गया, फिर एमक्यूएम के वर्कर्स इजलास में कारकुनान को एतमाद में लिया जा सका था जम होने के मामले पर, जो पीएसपी ने जम होना एमक्यूएम पाकिस्तान में। देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं, पीएसपी का आज होने वाला जो जनरल वर्कर इजलास था वो तो मंसूख कर दिया गया था वजूहात की वजह से, लेकिन उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो अंदर चेयरमैन से है, वाइस चेयरमैन है, फाइनेंस चेयरमैन है, उन सबका इजलास, एक जो पूरी काबीना है उनकी जो पीएसपी की, उनका इजलास तलब किया गया था। वहां पे मुशावरत भी की गई, तमाम चीजों का बाखूबी जो है वो एक पॉइंट टू पॉइंट जो है वो जायजा लिया गया, किन चीजों का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानब एमसीएम के बुजुर्ग, एमसीएम की जानब से जो एमसीएम के जो वफाकी वजीर है, फैसल सब्जवारी हो या अमीनुल हक हो, तमाम लोग जो है वो काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की बात कर ली जाए। अगर डोमेस्टिक लेवल की बात कर ली जाए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, ख्वाजा इजाजुल हसन है, वो डोमेस्टिक लेवल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आपने जाना कि आज का क्या कुछ होता रहा, पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से बिल्ड हो चुका है कराची के अंदर, वक्फे की तरफ जाएंगे और वक्फे के बाद फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव भी रखेंगे, और जो सीनियर लीडरशिप्स हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो क्या कुछ कहते रहे वो भी आपको सुनवाएंगे वक्फे के बाद।